हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आता है, स्पेशली अहमदाबाद और गुजरात के लिए जहाँ पे लोग बहुत एडवेंचरस हैं। तो हम लोग आप दिखा रहे हैं कि कितना एडवेंचर आप नेचुरली कर सकते हैं स्विट्जरलैंड में। वहाँ पे बहुत, अगर आप इंटरलाकन जाएंगे तो वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, जेट बोटिंग, ये सब नया चीज़ें हैं जो स्पेशली हम देखते हैं कि गुजराती लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहता है कि कुछ ख़राब तो नहीं होगा। हम हमारे पास एग्जैक्ट काउंट नहीं रहता, क्योंकि शेंगेन जोन है तो तुम कोई भी यूरोपियन कंट्री में एंटर कर सकते हो, तो एग्जैक्टली कितने गुजराती कितने कहाँ से देश में से जाते हैं वो नहीं पता है। बट ओवरनाइट अबाउट 1 मिलियन ओवरनाइट इंडियंस करते हैं स्विट्जरलैंड में। हम लोग 6th लार्जेस्ट कंट्री है जो टूरिज्म वाइज वहाँ पे लोगों को भेजते हैं, और हम लोग इसलिए बार बार गुजरात आते हैं, अहमदाबाद आते हैं, क्योंकि टूरिज्म जो स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था वो काफ़ी हद से गुजराती से शुरू हुआ था। गुजराती मतलब गुजरात से या मुंबई से, दोनों जगह से गुजराती हमेशा पहले जाते थे। सबसे ज़्यादा जो हमारा डेस्टिनेशन होता है पहले उनको जाके प्रेस करते हैं, देखते हैं, तो जब भी हमारा कोई नया प्रोडक्ट होता है हम यहाँ पे आते हैं। खाने पीने के लिए स्विट्जरलैंड में व्यवस्था, खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और आजकल जो यंगर जनरेशन है जिनको इतना ज़्यादा इंडियन फूड का ज़रूरत नहीं है पर स्टिल वेजिटेरियन है, उनके लिए भी स्विट्जरलैंड में नेचुरली बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन फूड मिलता है। इनफैक्ट जो दुनिया का सबसे पहला वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है 1890 में, वो स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक में, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, टिल्टिल करके एक होटल है ज्यूरिक में, और वो दुनिया का पहला वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ चॉइस, इंडियन भी है और नॉन इंडियन वेजिटेरियन भी बहुत है। पैकेज क्या रहेगा? हम यहाँ, हम टूरिज्म बोर्ड हैं, सो हम, हमारा काम है कि हम यहाँ पे जो भी नया चीज़ें आती हैं स्विट्जरलैंड में वो प्रमोट करने के लिए आते हैं। हमारे जो 22 पार्टनर हैं वो अभी राइट नाउ ट्रैवल एजेंट से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या कर सकते हैं, कैसे इंक्लूड करेंगे, और फिर यहाँ के टूर ऑपरेटर्स वो पैकेज लेके आएंगे। तो हम एज सच, आप हमसे कुछ खरीद नहीं सकते, वी कैन ओनली टेल यू कि आप क्या करना चाहिए, बट वी डोंट सेल। पर अगर आप पूछ रहे हैं क्या नया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये ग्रैंड ट्रेन टूर, ये समथिंग न्यू दैट वी ऑफरिंग। हमेशा से इंडियंस को ट्रेन्स बहुत पसंद है, स्पेशली स्विट्जरलैंड में, क्योंकि बहुत एफिशिएंट है, बहुत क्लीन है, रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो इंडिया एक्चुअली नंबर 2 है वर्ल्ड वाइड जो स्विस ट्रैवल पास खरीदता है, और स्विस ट्रैवल पास का ये यूनिक है कि बस, बोट, ट्रेन, ट्रैम, मतलब एक बार स्विट्जरलैंड जाए तो उसके बाद कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा सकते हैं बिना कोई रिजर्वेशन के। स्विट्जरलैंड की एक बहुत फेमस